Hello, dear students. I hope you will be fine. Today we are going to begin our vocabulary in context number 12, page number 31, unit 2 and level 4. Talking about the parts of a car. मोटर कार के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में डिस्कशन होगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कार. यू कैन सी द कार एंड वी विल टॉक अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज वेल. सो व्हाट्स द फर्स्ट पार्ट? ट्रंक. ट्रंक या ये भी जैसे हम डिग भी कहते हैं या संदूक भी इसको कहते हैं, जिसमें लोग मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक ऑफ अ पार्ट. द सेकेंड वन मिरर. मिरर मीन आईना. जो आईना होता है, जो शीशा इसमें होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिरर. द थर्ड वन हुड. हुड को हम बानेट भी कहते हैं. बानेट या हुड जो आमतौर पर प्रिंट में होते हैं. नेक्स्ट वन टायर्स. सो कॉमन है टायर, हम इन पुश्तो इन उर्दू आल्सो वी कॉल इट टायर. बैक सीट मीन पिछला सीट. सो जो बैक में होता है, फ्रंट सीट और बैक सीट, इट्स आल्सो कॉमन. सीट बेल्ट मीन जो बेल्ट होता है, जो आमतौर पर लोग बांधते हैं सफ़र में, अ सीट बेल्ट. विंड शील्ड मीन बड़ा जो शीशा है. विंड शील्ड मीन बड़ा शीशा. विंड मीन हवा, शील्ड डाल, जो हवा से डाल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो बड़ा शीशा होता है, इसे विंड शील्ड कहा जाता है. इंजन और मोटर, जैसे हम इंजन भी कहते हैं, राइट? और इट उर्दू एंड अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड मोटर एज वेल. हेडलाइट्स मीन बड़े जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, जो बड़े लाइट होते हैं. लाइसेंस प्लेट, इसको हम लाइसेंस नंबर भी कहते हैं, ये भी गाड़ी का एक हिस्सा है. फ्रंट सीट मीन फ्रंट सीट, इन पुश्तो और उर्दू वी आल्सो कॉल इट फ्रंट सीट. क्लच इज आल्सो कॉमन नेम. ब्रेक इज आल्सो अ कॉमन नेम. गेस पीडल आर एक्सेलरेटर. सो एक्सेलरेटर इज अ कॉमन नेम एंड इट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज कॉल्ड गेस पीडल एज वेल. गेस का पीडल. हॉर्न मीन जो हॉर्न होते हैं, ये भी आम होते हैं. अरन पुश्तों में हम इसे कहते हैं और हॉर्न. स्टीयरिंग व्हील मीन जैसे हम पेच कहते हैं, जो इसके ज़रिए से हम स्टीयरिंग करते हैं, जो व्हील की तरह होते हैं. सो स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग हम इसे कहते हैं आमतौर पर. गियर और शेफ्ट. गियर कॉमन नेम एंड शेफ्ट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड शेफ्ट एज वेल एंड गियर इज ऑल्सो राइट. सो हियर द इंस्ट्रक्शन सेज दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कार एंड सो फॉर द नेक्स्ट वन कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट पार्ट ऑफ अ कार. हर एक जुमला कार के एक मुख्तलिफ पार्ट से मुकम्मल कर लो, खाली जगह फिल करनी है. द फर्स्ट वन, you won't be able to see other car in front of you well if you don't keep your windshield clean. अगर आप windshield, जो बड़ा शीशा है, ये साफ ना करें तो आने वाला कार आपको साफ नज़र नहीं आएंगे. फिर नंबर सेकंड वन, there's a truck behind us, I can see it in the mirror. मैं मिरर में, शीशे में, आईने में या ट्रक को देख सकते हो जो मेरे पीछे से आ रहा है. थर्ड वन गुड हेडलाइट. व्हेन यू ड्राइव एट नाइट यू मस्ट टर्न ऑन योर हेडलाइट. जो बड़े लाइट हैं ये ऑन कर लो. नंबर फोर्थ, द ड्राइवर सेट्स इन द फ्रंट सीट. सीट एंड फ्रंट सीट में बैठते हैं. फाइव नंबर, When you drive, keep both hands on the steering wheel. दोनों हाथ steering wheel पर रख लो जब आप driving करते हैं. When the Logans take a trip, the children usually sit in the back seat. Back seat में बच्चे बैठते हैं जब Logan किसी trip पर जाते हैं. D has a number and letter. So the license plate has the number and letters. Right? On it, some plates have only letters on them. सिर्फ पर बस पर सिर्फ लेटर होते हैं. Eighth number, check your occasionally to be sure you have enough air in them. So what should you check? Check your tire occasionally. कभी कभी अपने टायर को चेक कर लो, टू बी श्योर यू हैव एनफ एयर इन देम, के उसमें काफ़ी हवा है या नहीं टायर्स में.
नाइन नंबर सेज व्हेन यू गेट इन द कार बी श्योर टू फासन योर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट इस बात पर यकीन नहीं करो कि फासन मीन बांधो योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट बांध लो। टेन नंबर यू हैव टू ओपन द टू पुट ऑयल इन द इंजन। यू हैव टू ओपन द हुड, आपको हुड खोलना है, बानट खोलना है टू पुट ऑयल इन द इंजन, ताकि आप इंजन में तेल डाल लें। फिर 11 नंबर से डोंट पुट योर लगेज ऑन द सीट, पुट इट इन द ट्रंक। सामान सीट में न रखो, इसे ट्रंक में, संदूक में या डेग में रख लो। 12 नंबर से इफ यू वांट टू गो फास्टर यू प्रेस द एक्सेलरेटर या यू प्रेस द गैस पेडल। 13 नंबर से इफ यू वांट टू गो स्लोअर एंड यू यूज द ब्रेक, जब आप स्लो होना चाहते हो तो फिर ब्रेक इस्तेमाल करते हो। इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम वन गियर टू अनदर इन द स्टैंडर्ड शेप्ड कार यू हैव टू स्टेप ऑन द क्लच एंड मूव द गियर आर शेप्ड। अगर स्टैंडर्ड शेप्ड कार हो, अगर स्टैंडर्ड शेप हो मतलब ऑटोमेटिक ना हो, तो ऑटोमेटिक ना हो तो फिर आप इसको जब शेप्ड गियर चेंज करते हो तो क्लच को प्रेस कर लो और गियर को चेंज कर लो फिर, और शेप्ड को चेंज कर लो। गियर और शेप्ड बोथ इज यूज फॉर देम। सो दीज आर द ब्लैंक प्लेसेस डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लर्न इट वेल। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज pointing to any part of the car and for getting confirmation using take question which we have did in the previous activity. For example, this is a steering wheel, isn't it? Yes, it is. Suppose ये car का नक्शा है और मैं इन्हीं की तरफ इशारा करता हूँ। This is a trunk, isn't it? Yes, it is. This is a mirror, isn't it? Yes. Good. ये mirror है क्या? नहीं है, right? This is a hood, isn't it? Yes, it is. Yes, it is. तो आप कहेंगे हाँ ये है। This is a windshield, isn't it? Yes, it is. ये windshield है गाड़ी का क्या? नहीं है, तो हाँ ये है। This is a headlight, isn't it? Yes, it is. This is a steering wheel, isn't it? Yes, it is. Yeah. अब अगर मैं कहूँ कि this is a steering wheel, isn't it? No, it isn't. It's a mirror. No, it isn't. It's a mirror. This is a trunk, isn't it? No, it isn't. Good. No, it isn't. It's a headlight. Mean, मेरे बात की तस्दीक आप करते हैं, इसे agree होते हैं या disagree होते हैं, तो इसके लिए हम question tag इस्तेमाल कर लेंगे और tag question पूछ लेंगे। We have discussed tag question in detail in the previous activity. activity number 315, you should learn it well. This is a mirror, isn't it? No, it isn't. It's a hood. Good. No, it isn't. It's a hood. This is a ballpoint, isn't it? No, it isn't. It's a marker. It's a marker. Good. And this is a book, isn't it? Yes, it is. Yes, it is. किसी भी चीज की तरफ आप इशारा कर लो और कहो कि ये है या नहीं। This is Muhammad Umar Farooq, isn't he? Yes, he is. Right? तो इसी तरह जब आप किसी को इशारा करते हैं कि ये वही है या नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये है या नहीं है। I hope you will have learned to dear student this activity. Try to share it again and again. Share it with your near and dear one and try to read it again and again. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.